ओ गॉड, मुझे ये क्या हो गया, इतनी ज्यादा टैनिंग, मैं अब इसे कैसे रिमूव करूंगी। मेरी तो शादी होने वाली है, अब मुझे बॉडी पॉलिशिंग के लिए और सारी चीजों के लिए कितने ज्यादा पैसे वेस्ट करने पड़ेंगे पार्लर में। और इसका कुछ और सॉल्यूशन नहीं है? डेफिनेटली गाइस, है सॉल्यूशन, क्यों नहीं है। अब आपको पैसे बाहर जाके पार्लर में देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, एंड आपका टैन और आपकी बॉडी पॉलिशिंग, ये सारी चीज़ें बहुत ही इजीली तरीके से हम घर पे भी कर सकते हैं, हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। एंड जो इसमें इंग्रेडिएंट यूज़ होंगे वो भी हमारे किचन में, हमें बस जाना है एंड मिक्स करना है, देन यूज़ करना है। कुछ भी चीज़ें हमें बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये रेगुलर बेसिस पे इन चीज़ों को अगर आपने यूज़ किया गाइस, तो आपको डेफिनेटली कभी भी पार्लर में बॉडी पॉलिशिंग, टैन रिमूवल, इन सब चीज़ों के लिए भागना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सीक्रेट आइडियाज को। जो मैं रेमेडी लेके आई हूँ उसको हम चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए, जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं, मैं क्या चीज़ें लेके आई हूँ एंड क्या चीज़ें हमें यूज करनी है। बहुत सारे मैं इसके साथ आपको टिप्स दूंगी जो आपको अभी से फॉलो करना स्टार्ट करना है, आपको टैन भी नहीं होगा, एंड जो आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि आपकी अनइवन स्किन हो जाती है। तो गाइस, जो ये प्रॉब्लम होती है कि हमारे हैंड की स्किन एंड हमारे फेस की स्किन मतलब मैच ही नहीं करती, हमारे नेक का, हमारे बैक का, हमारे फीट का, सारे स्किन अलग होती है, अनइवन स्किन होती है, ये सारी प्रॉब्लम्स का जो एक सॉल्यूशन है ना, वो मैं आज आपके साथ लिख के आई हूँ। एंड गाइस ट्रस्ट मी, अगर आप इसे 1 मंथ भी ट्राई करेंगे, अगर अभी आपकी 1 मंथ बाद मैरिज है एंड अभी से अगर आप ये चीज़ें स्टार्ट करेंगे, तो आपको पार्लर में जो 4-5 thousand आप स्पेंड करने वाले हैं बॉडी पॉलिशिंग के लिए, तो वो आपको डेफिनेटली नहीं करना पड़ेगा। आपका सारी चीज़ें जो घर पे हैं, आप अपनी स्किन को पैम्पर करेंगे तो आपका डेफिनेटली उससे भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि बॉडी पॉलिशिंग का रिजल्ट भी गाइस एक टाइम तक के लिए, आपको ऑलमोस्ट आप देखेंगे 10-15 days बाद वो चला जाता है, बट इसके जो रिजल्ट्स है, क्योंकि ये नेचुरली होगा एंड स्किन अंदर से पूरी तरह से हाइड्रेट, जो हमारे डेड सेल्स है वो पूरी तरह से रिमूव हो जाएंगे, इसके बाद हमारा ये लॉन्ग टाइम तक रहेगा। एंड अगर इसके बाद भी आप इस प्रोसेस को फॉलो करते रहते हैं तो आपको अनइवन स्किन, टैन, इन सब चीज़ों का प्रॉब्लम कभी भी नहीं होगा। आपकी बॉडी में डेड स्किन बिल्कुल भी मत जमा होने दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं रेमेडी, देन मैं आपको सारी चीज़ें बताती हूँ। सो गाइज, मैंने यहाँ पर 1 बाउल लिया है चावल का आटा। जो रेशियो गाइज मैं इसमें बता रही हूँ, आप उसी रेशियो के साथ सारे इंग्रेडिएंट्स को लीजिए। मैंने यहाँ पर फुल बाउल भर के लिया है चावल का आटा, ये मैं 20 days के लिए एटलीस्ट बना रही हूँ, तो यहाँ पर मुझे 1 बाउल लगा है। एंड यहाँ पर 1 बाउल ही भरकर मैंने यहाँ पर बेसन लिया है। गाइज, हमें जो भी इंग्रेडिएंट्स लेने हैं इसमें थोड़ा सा दरदरा होना चाहिए, जैसे चावल का आटा भी हो गया एंड बेसन भी हो गया, थोड़ा सा दरदरा रहता है तो उसके इफ़ेक्ट्स आपको ज़्यादा। एंड गाइस, यहाँ पर मैंने लिया है जो गेहूं का आटा जो हम डेली बेसिस पे खाने में यूज़ करते हैं, उसको छानने के बाद उसका जो चोकर बचता है मैंने वो लिया है। इस पे गाइस भरपूर मात्रा में विटामिन ई होता है जो हमारी स्किन को मॉइस्चराइज रखेगा। एंड यहाँ पर जो मस्टर्ड सीड्स होते हैं, राई के दाने जो हम तड़के में यूज़ करते हैं, वो मैंने 1/4 bowl लिया है। इसे मैं यहाँ पर ग्राइंड कर लूँगी एंड हमें इसे भी दरदरा ग्राइंड करना है। गाइज, ये हमारा सबसे ज़्यादा मेन इंग्रेडिएंट है जो हमारी बॉडी पॉलिशिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होने वाला है, तो सारी चीज़ों को हम यहाँ पर मिक्स कर लेंगे। एंड गाइज, इसे किसी भी आप एयरटाइट कंटेनर में यूज़ कर रख सकते हैं। गाइज, यहाँ पर जो हमारा बेसन है वो हमारी मतलब इंटरनली डेड स्किन को निकलने में हेल्प करता है। एंड जो राइस फ्लोर हमने यूज़ किया है उसमें बहुत ही अच्छी क्वान्टिटी में स्टार्च होता है जो हमारी स्किन को वाइटनिंग प्रोवाइड करता है। गाइस, यहाँ पर मैंने लास्ट में, ऑप्शनल है टोटली, आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर चंदन पाउडर लिया था 1 small। सो गाइस, मैंने ये रेमेडी बना के रख ली है, आप देख सकते हैं ये एटलीस्ट 20 days के लिए ये मुझे परफेक्ट है। तो मैं इसको ऐसे ही बना के किसी भी कंटेनर में, आप एयरटाइट कंटेनर में रखें ताकि इसमें बिल्कुल भी, जैसे अभी मानसून का मौसम है तो उससे कुछ भी प्रॉब्लम ना हो, इसलिए आप इसे एयरटाइट में कंटेनर में आप रख सकते हैं। ओके गाइस, तो अब हमें इसे कैसे यूज़ करना है। गाइस, आप जितना भी अमाउंट आपकी बॉडी के लिए लग रहा है उतना आप इस किसी भी बाउल में ले लीजिए एंड इसमें फ्रेश कर्ड आप यूज़ कीजिए। इसको फ्रेश कर्ड के साथ मिक्स करके
देन आप अपनी, अगर आपकी गाइस बहुत ज़्यादा ही ड्राई स्किन है तो आप उसमें फिर यूज़ कर सकते हैं रॉ मिल्क एंड हनी, या रॉ मिल्क यूज़ कर सकते हैं। एंड बहुत ज़्यादा अगर ऑयली स्किन है आपकी तो इसमें आप थोड़ा सा लेमन ऐड कर लीजिए। नहीं ऐड करेंगे कोई बात नहीं, आपको अगर कर्ड सूट नहीं करता है तो आप रॉ मिल्क यूज़ कीजिए। अगर आपको कर्ड सूट करता है, वैसे कर्ड सारी स्किन टाइप को सूट कर जाता है, बहुत कम लोग होते हैं जिनको कर्ड से प्रॉब्लम होती है, तो गाइस आपको इसे कर्ड में मिक्स कर लेना है एंड हमें थोड़ा सा लुक वॉर्म वाटर से अपनी बॉडी को वेट कर लेना है। देन आपको बस सर्कुलर मोशन में इस तरह से कुछ यू मसाज करते जाना है अपने पूरे बॉडी की। आप देखेंगे कि फर्स्ट टाइम यूज करने के बाद से ही आपकी डेड स्किन है वो धीरे धीरे रिमूव होने लग जाएगी। आप चाहे तो इसे वीक में 2 times यूज कर सकते हैं एंड इसके बेस्ट रिजल्ट के लिए गाइस आप इसे कर्ड में ही यूज करें। कर्ड में एक्चुअली लैक्टिक एसिड होता है, उससे हमारे टैन भी रिमूव होता है एंड हमारी स्किन वाइटनिंग होती है। तो गाइस आप इसे कर्ड में यूज करें एंड बहुत ही, ट्रस्ट मी, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। आप इसे अल्टरनेट डेज पे भी यूज कर सकते हैं एंड आपका जब प्रॉब्लम थोड़ा सा सॉल्व हो जाए तो आप वीक में 1 time इसे यूज करिए। आप कंटिन्यू हमेशा होल लाइफ आप इसे यूज कर सकते हैं। कोई रेमेडी कैसी लगी आप जरूर बताइएगा मुझे एंड यूज करिए। आप इसके बाद कमेंट बॉक्स में जरूर आप अपना रिव्यू जरूर मेरे साथ शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों के लिए भी हेल्पफुल रहे। सो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।